हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय नेम इज कामिनी सिंह और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो कि आपके नेट पेपर वन या yeah, और आपका जो सेक्शन है पीपल एंड इन्वॉलमेंट उससे पूछे गए हजारडियस वेस्ट टॉपिक के अंतर्गत जो भी पी क्यूज हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे यहाँ पर टू इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है इसी टॉपिक से यानी कि आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट यो टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन ऑल्सो दिस इज द ट्वेंटी नाइन्थ लेक्चर तो जितने भी ट्वेंटी एट लेक्चर्स हैं उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा हम ऑलरेडी डेवलपमेंट इन एनवाइट ह्यूमन एंड एनवाइ इंटरेक्शन और अभी हम हम हैं एनवायरमेंटल इश्यूज टॉपिक 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 पर पर जहां पर आज हम इस का यानी कि वेस्ट हमें पीवाई क्यूज हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हमने इन सभी पर वीडियो भी बनाई है और सभी के पीवाईक्यूज भी डिस्कस किए हैं आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ताकि आप इस तरीके की और वीडियोज को मिस ना करें चलिए स्टार्ट करते हैं

वो आपका पाया जाता है फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स में इसके बाद है आपका पीसीबी क्योंकि जो पीसीबी है ये बहुत अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं और ये बहुत जल्दी हीट भी नहीं होते तो ये पाए जाते हैं हमारे कैपेसिटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स में इसके बाद जो सी है वो आपको मिलेगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स यानी कि कंप्यूटर में यूज होते हैं कंप्यूटर डिवाइसेज में और पॉलीविनाइल क्लोराइड्स पीवीसीज जो हैं वो इंसुलेशन के काम आते हैं तो इस तरीके से अगर हम देखें ए का थर्ड तो यहाँ पर ए का थर्ड ये दो ऑलरेडी कैंसिल हो गए ठीक है इसके बाद बी का फोर्थ तो दोनों में ही बी का फोर्थ दिया हुआ है बिल्कुल सही है हमारा अब आपका सी और डी में से आपको चूज करना है तो सी का जो था वो क्या था जो जो था था वो first से match हो रहा तो आपका नेक्स्ट तो आप क्वेश्चन है जो कि अक्टूबर 2020 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले गिवन बिलो आर सम मेटल्स विच आर रिलीज्ड इनटू द इनवॉमेंट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ एंथ्रोपोजेनिक सोर्स यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी uh, की वजह से uh, कुछ जो मेटल्स हैं वो रिलीज होते हैं इन में आइडेंटिफाई द मेटल्स हैव बीन ऑफ सीरियस कंसर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज यानी कि ये जितने भी मेटल्स हैं इनमें से वाटर पोल्यूशन कॉज कौन कौन सा कर सकता है यहाँ पर ये क्वेश्चन हजारडिस वेस्ट की कैटेगरी में मैंने क्यों आपको uh, रखा है क्योंकि यहाँ पर जो हेजार्डिस वेस्ट हैं उन्हीं अ जो आंसर है उन्हीं में छुपा हुआ है तो एल्यूमिनियम का हमने नहीं सुना है कि वाटर पोल्यूशन में कोई भी रोल हो कॉपर का भी नहीं सुना है लेकिन हमने मर्क्यूरी कैडमियम और लेड और इन तीनों से होने वाली डिजीजेस भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी डी ई यानी कि थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लिस्ट वाला है यहां पर फिर से पूछा गया है कि हजार्डस वेस्ट और इनका मेजर सोर्स कौन सा है उन दोनों को हमें मैच करना है जनवरी 2022 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सबसे पहले है लेड तो लेड आपका पाया जाता है आपने बहुत सुना होगा कि पेंट्स में अब जो है वो लेड फ्री पेंट्स आ गए हैं तो पेंट जो है वो एक मेजर सोर्स है लेड का नेक्स्ट इज पॉली क्लोराइड क्लोरिनेटेड बाइफेनाइल तो जो पीसीबी हैं वो आपके इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में काम आते हैं लास्ट जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें आपका ट्रांसफॉर्मर और कैपेसिटर्स में ये यूज हो रहे थे लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में वो काम आते हैं नेक्स्ट इज बेंजीन अब मैं बताऊंगी क्यों हमने इसको इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में रखा। बेंजीन जो है वो कंफ्यूज uh, हो सकते हैं लेकिन अगर आप ध्यान से देखें यूजेस तो ये पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स से बिल्कुल भी मैच नहीं होगा ये विनाइल क्लोराइड से ही होगा जिसमें कि हम पीवीसी uh, की पाइप्स को देखते हैं तो वो प्लास्टिक की होती है और वो इंडस्ट्रियल यूजेज में काम आती है तो इस तरीके का कुछ मैच होगा ये जो ऑप्शन है ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में यानी कि ए का थर्ड देखिए हमेशा ही हर एक क्वेश्चन में इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं उसमें दो तो आपके आसानी से अगर आपको एक भी आता है तो आपको अगर लेड का पेंट पता है तो दो तो आपके ऑलरेडी कैंसिल हो गए फिफ्टी फिफ्टी चांसेस रहते हैं फिर अब यहाँ पर अगर आपको ए का थर्ड पता है तो बी का फर्स्ट ही होगा है ना अगर आप बी में कंफ्यूज भी हो रहे थे तो बी का फर्स्ट ऑलरेडी आंसर यही रहेगा और फिर सी और डी में से आपको चूज करना होगा तो सी आपको पता है कि अगर आपको गैसोलीन पता होगा तो बिल्कुल आप क्वेश्चन एकदम करेक्ट करके आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फोटोवोल्टेक सेल्स के बारे में फोटो सेल्स जो होते हैं वो आपके सोलर सेल्स हैं अब पढ़ते हैं ये क्वेश्चन सोलर सेल्स आर ऑफन मेड ऑफ क्रिस्टल सिलिकॉन देखिए जो सोलर सेल्स होते हैं वो दो तरह के सिलिकॉन से बने होते हैं एक होते हैं क्रिस्टल सिलिकॉन और एक होते हैं आपके एमोर्फस सिलिकॉन तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो ये है ये क्रिस्टल सिलिकॉन के बने होते हैं बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं फोटोवोल्टाइक सेल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ इन एक्सपेंसिव एमोरफिस सिलिकॉन व्हिच इज लाइक ऑर्डिनरी ग्लास एंड हैज नो क्रिस्टल प्रॉपर्टीज बिल्कुल करेक्ट है अमोरफस जो है वो क्रिस्टल उसमें प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, वो थोड़ा सा ऑर्डिनरी ग्लास का होता है और इनएक्सपेंसिव होता है ये दोनों का ही इस्तेमाल होता है तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू ये अक्टूबर दो में पूछा गया सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी तरीके के लिस्ट का इस तरीके के हेजार्डिस वेस्ट से अगर आप देखें तो इस तरीके के जो uh, लिस्टिंग वाले क्वेश्चन है ये बहुत आए हैं तो इसको जरूर देखिएगा पहला है टाइप्स ऑफ वेस्ट और दूसरा है एग्जाम्पल बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है जुलाई 2022 में पूछा गया था अब आपको देखना है कि ये यहाँ पर चार तरह के वेस्ट दिए हुए हैं म्युनिसिपल वेस्ट टॉक्सिक वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट और एग्रीकल्चरल वेस्ट कैसे मैच होगा तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले म्युनिसिपल वेस्ट से देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ए का फर्स्ट ए का थर्ड ए का सेकंड और ए का फोर्थ अगर आपने ए भी सही मैच कर दिया तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा तो म्युनिसिपल वेस्ट में आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि डिमोलिशन वेस्ट भी आएगा डिमोलिशन वेस्ट का मतलब है कंस्ट्रक्शन से निकलने वाला वेस्ट इसको मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था आपको इसीलिए ये जो है आपका थर्ड से मैच होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा बाकी भी देख लेते हैं टॉक्सिक वेस्ट में आएगा आपका ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इसके बाद आपका हो गया बायोमेडिकल वेस्ट आपको पता है सिरिंज जो जिसे इंजेक्शन के नाम से जानते हैं आप वो आएगा और डी हो जाएगा आपका स्ट्रॉ तो यहाँ पर बी का फर्स्ट सी का फोर्थ और डी का सेकेंड बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में अक्टूबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है द लाइफ साइकिल असेसमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इज डन मेनली हमने लाइफ साइकिल थी क्यों किया जाता है ये ताकि हम प्रोडक्ट की या सर्विस का इन्वॉर्मेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा उसको पता कर सकें तो हम सभी स्टेप्स में देखते हैं यानी कि उसके रिसोर्स को इकट्ठा करने से लेकर और उसके डिस्पोजल तक यानी कि वो कहां फेंका जाएगा किस तरीके से उसका डिस्पोजल होगा यहां तक हम पूरा चेक करते हैं कि हर एक स्टेप में इन्वायरमेंट को वो क्या हार्म पहुंचा सकता है और फिर हम उस असेसमेंट को शो करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रोडक्ट कीपिंग मेनली हम किस चीज को ध्यान में रखेंगे क्या हम मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान में रखेंगे क्या हम पैकेजिंग को ध्यान में रखेंगे डिस्पोजल को या डिस्ट्रीब्यूशन को तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है वो है डिस्पोजल डिस्पोजल किस तरीके से होगा उस चीज का इस पर बहुत निर्भर करेगा कि वो इन्वामेंट पे क्या इंपैक्ट डालेगा क्योंकि अगर वो चीज बायोडिग्रेडेबल है तो ऑब्वियसली लेस हार्मफुल होगी चाहे वो और स्टेप्स में कितना भी हार्म कर रही हो किसी भी स्टेप या किसी भी जो स्टेप है उसके दौरान हम उसको बायोडिग्रेड कर सकते हैं तो वो ज्यादा इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं करेगी अगर उसके डिस्पोजल में ही प्रॉब्लम है डिस्पोजल करने में उसमें दिक्कत आ रही है तो ऑफकोर्स वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा प्रोडक्ट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको टेबल देखने को मिलेगा मार्च 2023 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पॉल्यूटेंट दिए हुए हैं एक तरफ और एक तरफ उनका सोर्स दिया हुआ है तो लेड अभी तक तो आप समझ गए होंगे पेंट से मैच होगा ऑफकोर्स तो यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट का थर्ड ये दोनों ऑप्शन हमारे हो गए कैंसिल बी का फर्स्ट ही है तो हमने मर्क्यूरी कोल कंबेशन से मैच uh, कर दिया ये हमने देखा था कि जो मर्क्यूरी है वो कोल कम्बशन में सबसे ज्यादा पाई जाती है अप अपटू एसेंट जो मर्क्यूरी इनवाट को पोल्यूट कर रही है वो कोल कम्बशन से आ रही है नेक्स्ट अब आपका सी और डी में है तो अगर आपको जो भी इजी लगता है फॉर एग्जाम्पल कैडमियम जो है वो आपको कहाँ मिलेगा वो आपको मिलेगा बैटरीज में बेनजीन जो है वो आपको मिलेगा पेट्रोल में तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेजर सोर्सेज ऑफ मीथेन एमिशन यानी कि मीथेन कहाँ कहाँ से निकल सकता है सी एच फोर हो सकता है उसको हमें देखना है तो सबसे पहले लैंडफिल्स लास्ट वीडियो में ही डिस्कशन किया है लैंडफिल uh, में क्योंकि डिकम्पोजिशन होता रहता है तो इस डिकम्पोजिशन में आपका मीथेन हमेशा निकलता रहता है तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है तो ए ऑप्शन हो जाएगा ए सेकेंड में बिल्कुल भी नहीं है तो ये आपका कैंसिल हो गया नेक्स्ट इज माउंटेन रिवर्स ऐसा कुछ भी नहीं है माउंटेन रिवर्स में हमें मीथेन नहीं मिलेगा पैडी फील्ड्स बिल्कुल मिल सकता है क्योंकि अगर पैडी फील्ड्स में आपने देखा होगा पानी से भरी हुई होती हैं वो ज्यादातर उन्हें हमें जब इरिगेशन करते हैं तो पूरा वो पानी से भरा हुआ होता है हर टाइम पे तो वहां से भी मीथेन के निकलने के चांसेस हैं बिल्कुल करेक्ट है वेटलैंड्स में भी जहां पर अः भी वाटर आपको स्टेगनेंट मिलेगा जहां पर भी वाटर फ्लो नहीं कर रहा है वहां पर मीथेन बनने के चांसेस हैं तो यहाँ पर ए सी डी ये किस ऑप्शन में है देख लेते हैं ये है हमारे लास्ट ऑप्शन में जुलाई दो का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लिस्ट वाला अक्टूबर 2022 में पूछा गया है यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले तो पैथोजिन कहां पर मैच होगा course, आपका बैक्टीरिया से मैच होगा तो बैक्टीरिया वाले दो ऑप्शन हो गए हमने ये और ये क्रॉस कर दिया पहले ही इसके बाद बी का फोर्थ ही है बी इनऑर्गेनिक केमिकल्स फोर्थ अब इनऑर्गेनिक केमिकल्स का मतलब क्या है इनऑर्गेनिक जहां भी आएगा वहां पे कार्बन प्रेजेंट नहीं है अगर ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कार्बन है

ए का थर्ड आपको पता था बैक्टीरिया बहुत इजी था ये आपने कर दिया इसके बाद बी का फोर्थ ऑलरेडी दिया हुआ है सी और डी में से अगर आपको एक भी आता है तो आप क्वेश्चन एकदम करेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा सी का जो है वो मैच होगा प्लास्टिक से और जो डी है वो फर्स्ट से मैच होगा यानी कि थोरियम से नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जून 2023 में पूछा गया है दोनों स्टेटमेंट है हमें देखना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है डायऑक्सेंस एंड फ्यूर आर हाईली टॉक्सिक सब्सटेंसेस बिल्कुल सही है यहां तक तो प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट इंसिनरेशन इसको भी हमने डिस्कस किया है इंसिनरेशन का मतलब क्या है हाई टेम्परेचर पर किसी चीज को या वेस्ट को स्पेशली जलाना इंसिनरेटर्स में उस प्रोसेस को

तो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल करेक्ट है और जो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेमिनेशन ऑफ एक्वेटिक पॉलिक्लोरिनेटेड बायफिनाइल्स कैन ओरिजिनेट फ्रॉम इनमें से आ, कौन सा एक्वेटिक एनवॉर्वमेंट को कंटेमिनेट करेगा अब आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पर पीसीबी दिया हुआ है अगर आप ध्यान से देखें तो अक्टूबर दो हजार बीस में बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया था तो देखिए क्या क्या चीजें हैं इनमें से जो वाटर पोल्यूशन को कॉज भी करती हैं सी, सीवेज एफ्लुएंट बिल्कुल करेक्ट है वेस्ट बिल्कुल अगर यहाँ पर वेस्ट इंसनड्रेटर जो हैं उसको सही से डंप ना किया जाए तो वो वाटर पोल्यूशन कॉज कर सकती हैं बिल्कुल सही टॉक्सिक डंप्स अगर ये भी वाटर में किए जाए तो ये भी सही है थर्मल प्ला, पावर प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो ये एयर पोल्यूशन को कॉज करते हैं और लास्ट है ट्रांसपोर्ट सेक्टर ये भी आपको पता है कि एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं तो यहाँ पर आपके वाटर पोल्यूशन कॉज करने वाले ही सिर्फ तीन है ऑप्शन नंबर में दिए हुए हैं पीसीबी जो आपको दिया हुआ है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है इसीलिए ऑप्शंस को जरूर पढ़िए क्वेश्चन देखते ही आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड आई होप आपने चैनल uh, को सब्सक्राइब किया हो ताकि आप ऐसी ही वीडियोस और देख सकें इस चैनल पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ कमेंट करके जरूर अपने फीडबैक या फिर अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर भी हम अवेलेबल हैं सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं इससे पहले जितने वीडियोज अपलोड हुई हैं उनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं तो आप उन सभी वीडियोज को भी जाकर देख सकते हैं दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड थैंक यू सो मच